हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। माय नेम इज सौम्या और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनदर टॉपिक, दैट इज हाउ टू कवर द फुल सिलेबस स्ट्रेटजी। व्हाट इज द स्ट्रेटजी, क्या योजना होनी चाहिए पूरे सिलेबस को कवर करने की यूपी सैनिक स्कूल की। बेटा, यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एग्जाम डेट यानी डी डेट रिलीज हो चुकी है, 24 दिसंबर 2023 आपकी एग्जाम डेट है। बच्चों, आप लोग उठ जाओ, जाग जाओ, बहुत मेहनत करो और एडमिशन ले लो, क्योंकि यही मौका है आपका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 24 दिसंबर 2023। और अब मैं आपसे बात करूंगी कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस पे क्लास 6 का डिटेल सिलेबस, क्लास 9 का डिटेल सिलेबस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद हम फुल कंप्लीट सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा माइंडसेट के बारे में। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका माइंडसेट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और माइंडसेट आपका आता है दो चीजों से, एक होता है आपका सिलेबस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका PYQ, दूसरा होता है आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो माइंडसेट को कवर करना है बहुत जरूरी। और माइंडसेट कवर हो कैसे हो सकता है, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस को आपको कवर करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सिलेबस जो है आपका वो 4 to 5 पार्ट्स में आपका बटा हुआ है। अब आपको उसको कैसे कवर करना है, ध्यान से सुनिए। जो PYQ है, आपको सिलेबस प्लस PYQ, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है और आपको साथ में कवर करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, जैसे मैथ्स में आपका टॉपिक है परसेंटेज, मैथ्स में आपका टॉपिक है परसेंटेज, अब आप कैसे कवर करेंगे इस परसेंटेज को। सबसे पहले आप देखेंगे कि परसेंटेज से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि सिलेबस में परसेंटेज जो टॉपिक है आपका वो गिवन है, देन आप इसके PYQ देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद आप ये देखोगे कि जिस जितने क्वेश्चन आते हैं उसको उतनी इंपॉर्टेंस आपको देनी है, ठीक है। अगर इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सिलेबस में ही 1 स्टार मार्क कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप मार्क कर लोगे यहाँ पे 2 स्टार्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 1 स्टार 2 स्टार। 2 स्टार का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 स्टार का मतलब है इंपॉर्टेंस आपकी रेज हो गई, ठीक है। तो ये आपको बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक टॉपिक में से आपको ये देखना है कि सिलेबस में वो टॉपिक गिवन है, और दूसरा किस तरीके से वो एग्जाम में पूछा जाता है। हम अपने कोर्सेज में, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो हमारा टारगेट बैच हो, हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को माइंड में रखते ही आपको उस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस तरीके से करना है, आपको सिलेबस का हर पॉइंट देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स में 20 टॉपिक्स हैं सिलेबस के, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको डिवाइड कर लोगे। डिवाइड, देखिए ये हमारी तीसरी रणनीति होगी कैसे करना है। सबसे पहले डिवाइड मेथड देखिए, डिवाइड मेथड में मैं बात करूंगी कि सबसे पहले आप उसको नंबर ऑफ डेज में सेग्रीगेट करोगे, नंबर ऑफ डेज लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे जो आपका वीक है, वीक का टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे मंथ का टारगेट। ये देखिए, मान लीजिए बेटा आपके मैथ्स के 20 टॉपिक्स हैं, ये मैथ्स के आपके 20 टॉपिक्स हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, हर दिन आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, जैसे एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक इंग्लिश का, एक टॉपिक GS का, यानी एक दिन में 4 टॉपिक हो गए। तो यहाँ पे आप पर डे 4 टॉपिक टिक करते जाइए, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद वीक में देखिए, अगर आप 5 डेज भी कंप्लीट करेंगे तो 2 दिन आप रिवीजन और टेस्ट का आराम से रख सकते हैं, यानी 5 भी अगर आप करेंगे तो 5 फोर्जा हो जाएंगे 20 टॉपिक्स। तो ये आपके 20 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए। और अगर आप मंथ में देखोगे बेटा, 2 मंथ से ज्यादा कंप्लीट सिलेबस को आपके नहीं लगने वाले हैं, और इतना ही हमारा एग्जाम का वक्त भी बचा है। तो 2 मंथ से ज्यादा आपका नहीं लगने वाला, इतना ही आपका एग्जाम मंथ बचा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके कुछ टॉपिक, ठीक है,
कुछ बच्चों के टॉपिक वो तीन ही प्रिपेयर कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये देखिए मैं थ्री लिख देती हूँ, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 × 5 हो जाएंगे आपके 15 टॉपिक। बेटा बहुत अच्छा है ये भी आपका बहुत अच्छा है कि अगर आप 15 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हैं 1 वीक में, इसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस को फुल कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस कंप्लीट करोगे, माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 0.1% बच्चे ही एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, और आपको अगर उस रेस में आना है तो सिलेबस को कंप्लीट करना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और बेटा ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, अब वाला दिसंबर तक यही आपका गोल्डन पीरियड है इस मौके को कैप्चर करने के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, मौके को ग्रैब कीजिए, प्रॉपर डेज के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए अपना, डेज के अकॉर्डिंग डेज का टाइम टेबल, वीक के अकॉर्डिंग वीक का टाइम टेबल, मंथ वाला ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा, मंथ वाला ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, इसी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।